Audio Jungle. कृष्णगंज थाने के पुलिस के थ्रू मेरे थ्रू हो रहा है वो है अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का जिसका पर्दाफाश किया है। इनके पास से वारदात के अंदर प्रयुक्त वाहन जेवरात और नकदी बरामद की गई है। हालांकि जो प्रयुक्त वाहन और जेवरात है और नकदी का कुछ पोर्शन जो है वो देवास थाने के अंदर जो घटना है उसका है जिसको कि 102 में जब्त किया गया है और बाकी फिर हमारे का है। अगर आपको याद हो तो 15/2/21 को एक वारदात हुई थी जिसके अंदर रात को घर के अंदर से नकदी और सोने चांदी के छोटे से जेवर जो थे वो वहाँ से चोर लेके गए थे। तब से इनका पीछा किया जा रहा था और जब ये वारदात देवास से करके लौट रहे थे तब हमने इनको ट्रैक करके इस पूरे के तीनों साथी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे जो हमारे CCTV फुटेज के अंदर भी दिख रहे थे उन्हें गिरफ्तार किया है। तीनों मुलजिम के अगर नाम देखें तो मोहम्मद शरीफ, योगेश कुमार और विजय, ये तीनों जो हैं, एक इनमें से मोहम्मद शरीफ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बाकी इसके दोनों जो साथी हैं वो रहने वाले हैं दिल्ली के। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना व्हीकल यूज़ करते हैं और व्हीकल यूज़ करके ये ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी ना किसी जगह को जहाँ ये घूमने के हिसाब से जाते हैं और रात को इनको जो खाली घर दिखता है, सुनसान घर दिखता है, उसके ताले तोड़कर ये वहाँ पर जो भी इनको अवेलेबिलिटी होती है सामान की या कैश की उसको चोरी कर लेते हैं। तो कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, बिल्कुल रैंडम तरीके से ये लोग जो है ऐसे ऑपरेट करते हैं। तो ये दिल्ली से निकलते हैं और रास्ते में जहाँ 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 ये रुकते हैं वहाँ पर रात को ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो जब ये देवास से लौट रहे थे तो जो देवास का मुकदमा है उसके अंदर प्रयुक्त गाड़ी उसको हमने जब्त किया है, सोने चांदी के जेवरों को जब्त किया है, 3 घड़ियाँ 4 पर्स हैं, नकदी है उस मुकदमे में जितनी FIR में दर्ज है 15,000 के करीब और 23,000 रुपये जो हैं वो हमारी वारदात के जो हैं वो इनके पास से निकले हैं। तीनों को हम लोगों ने 8/3 को गिरफ्तार कर लिया था। ये अभी हमारे पास जो है वो PC के अंदर है और तीनों के अगेंस्ट 2-2 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं।